हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे UPBT यानी कि उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लखनऊ उत्तर प्रदेश के बारे में। जी हां दोस्तों, आपको एक गुड न्यूज़ देनी है और वो गुड न्यूज़ ये है कि इस साल आपकी फ़ीस नहीं बढ़ाई जाएगी यूपी पॉलिटेक्निक की तरफ से। जी हां दोस्तों, यानी कि जो आपका आने वाला सेशन है उसमें आपकी फ़ीस में इंक्रीमेंट नहीं किया जाएगा। प्लस हम बात करेंगे AKTU, MJPRU और अदर यूनिवर्सिटी के बारे में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो इस रेड आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इस बेल आइकन को दबा लिए, उससे फायदा ही होगा नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग ये न्यूज़ पढ़ सकते हैं, पॉलिटेक्निक के 3 लाख छात्रों की नहीं बढ़ेगी फीस। जी हाँ दोस्तों, ये गुड न्यूज़ है यूपी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए कि उनकी जो फीस है वो इस साल नहीं बढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको पूरी न्यूज़ पढ़ के सुनाता हूँ कि क्या न्यूज़ है। प्रदेश भर के राजकीय अनुदानित और निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में पढ़ने वाले करीब 3 लाख छात्रों के लिए खुशखबरी है। प्रावधिक शिक्षा विभाग ने इस बार छात्रों की वार्षिक फीस नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है, यानी कि आपकी जो फीस है वो इस साल नहीं बढ़ाई जाएगी। प्रावधिक शिक्षा परिषद के सचिव संजीव सिंह ने बताया कि राजकीय पॉलिटेक्निक में छात्रों की फीस प्रावधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से तय की जाती है। ये 1 साल के लिए होती है। वर्तमान में ये 11,326 रुपये है। वहीं निजी संस्थान में फीस बढ़ाने या पुनर्निर्धारण करने का फैसला फीस नियमन समिति करती है। निजी संस्थानों के छात्रों को करीब 30,000 रुपए वार्षिक शुल्क जमा करना पड़ता है। इस बार उसमें किसी भी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। जी हां दोस्तों, यानी कि जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है उसकी जो फीस है वो है 11,326 रुपए प्रति साल। प्लस यहां पे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उनकी जो फीस है वो है अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपए, जो कि पूरे ईयर की फीस होती है। मगर इस साल इसमें किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी आपकी फीस में। फीस ना बढ़ने की मांग कर रहे थे छात्र। पॉलिटेक्निक के छात्र मुहिम चलाकर सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार मांग करते रहे हैं कि इस बार फीस ना बढ़ाई जाए, क्योंकि लॉकडाउन के चलते उनके परिजनों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है। ऐसे में फीस वृद्धि कर उन पर नया बोझ डालना सही नहीं होगा। जी हां दोस्तों, यानी कि जो स्टूडेंट्स थे वो सोशल मीडिया के माध्यम से ये आवाज उठा रहे थे कि उनकी फीस ना बढ़ाई जाए, और ऐसा ही हुआ कि पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स की जो फीस है वो नहीं बढ़ाई जाएगी इस साल। प्लस यहां पे मैं आपको बता दूं AKTU के बारे में, तो देखिए AKTU की भी जो फीस है वो इस साल नहीं बढ़ाई जाएगी। जो आपकी पिछले साल की फीस है उसी के बेस पे आपका एडमिशन रहेगा, यानी कि कोई भी आपसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाएगा। और अगर हम बात करें MJPRU, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, CCS यूनिवर्सिटी, तो देखिए अभी इनका कंफर्म नहीं है, मगर फिलहाल जो है AKTU और यूपी पॉलिटेक्निक जो है वो अपनी फीस नहीं बढ़ाने के। मैंने आपको 10 से 15 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको न्यूज की कटिंग दिखाई थी कि AKTU जो है वो इस साल अपनी फीस नहीं बढ़ाएगा। और अगर कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा। और जो स्कॉलरशिप के फॉर्म हैं वो आ चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का, उस वीडियो को जाकर देखिए और अपना फॉर्म फिल कर दिए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।